जैसे अगर क्रिएट न्यू करते हैं तो हमारी ये जो स्प्लैश स्क्रीन आ रही है ये इलस्ट्रेटर जैसी। आप कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब से एक बात जो चेंज होने जा रही है, हम जैसे प्रिंट ले लेते हैं और A4 साइज ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं, सबसे पहली बात जो चेंज हो रही है वो ये कि जो आपका आर्टबोर्ड था वहाँ पे, अब वो आर्टबोर्ड नहीं है। अब वो जो ये यहाँ पर आ रहे हैं ये कैनवस है। नंबर 2, आप जो भी यहाँ बनाओगे वो यहाँ दिखेगा। जब यहाँ पे वर्किंग एरिया आपके पास इलस्ट्रेटर में होता था, अब वो नहीं है। लेट मी शो यू एक शेप और इन्हें ऐसे कर लेते हैं। तो अगर इनको बाहर लेके जाएंगे तो बाहर कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि आप सिर्फ प्योर कैनवस पे काम करते हैं। नंबर 3, आपको कुछ भी करना होगा, आप सबसे पहले खुद, अब से खुद आप अपनी लेयर क्रिएट करेंगे। इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिक हर आपके न्यू कमांड एक्शन पे एक लेयर खुद डेवलप करता था, ये नहीं करेंगे। आपको कमांड से पहले खुद लेयर क्रिएट करनी होगी लेयर पैलेट में और फिर कुछ करना होगा। इजी। स्टार्टिंग समझने के लिए हम इनको बंद कर रहे हैं और एक बेसिक पिक्चर ले रहे हैं। सिंपल पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप की है। और नंबर 1, सबसे पहले हमें यूआई को समझना है, यूजर इंटरफेस को। वही ऊपर मेन्यू बार है, वही कंट्रोल्स हैं, साइड पे टूल बार है आपके पास, बीच में कैनवस है और राइट हैंड साइड पे आपके पास सारे फ्लोटर्स हैं। चेंज सिर्फ इतना हुआ कि आर्टबोर्ड अब कैनवस बन गया, वर्किंग एरिया अब डेड एरिया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जो करना है इस पिक्चर के साथ करना है, राइट? इतने सारे फ्लोटर्स आ रहे हैं जिसमें से सबसे अहम day 1 से टिल एंड आपको लेयर्स पैलेट चाहिए, तो लेयर्स को ले लेते हैं बाहर और बाकी सबको फोल्ड कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा एरिया हो। ये रही लेयर। और आप जब भी कोई भी पिक्चर कुछ भी डॉक्यूमेंट खोलोगे वो एज बैकग्राउंड लेयर आएगी जो कि नॉन एडिटेबल होगी, उनके आगे लॉक भी बना होगा। अक्सर और बेशतर हम ये गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट इनको क्लिक करते हैं लॉक पे, अनलॉक करते हैं और एडिटिंग शुरू कर देते हैं। द वर्स्ट केस, आप हमेशा एक प्योर डिज़ाइनर की हैसियत से इनकी कॉपी लोगे, बैकअप करोगे और फिर काम करोगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी कॉपी निकालनी है तो Ctrl J फॉर डुप्लीकेट, और फिर आप अपने बैकग्राउंड को ऑफ कर दोगे और अब इस डुप्लीकेट पे काम करोगे। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैम। वो जो बॉर्न एक लेयर थी जिनका नाम बैकग्राउंड था, वो नॉन एडिटेबल थी। अब जो आपने कॉपी ली, डुप्लीकेट हुई, वहाँ देखो layer 1 आ रही है, मीन्स यू कैन डू वर्क ऑन इट। और अगर आप इसी थंबनेल पे राइट क्लिक करो सो यू कैन इनलार्ज हिम एंड यू कैन सी द पिक्चर एज अ थंबनेल राइट देयर। कोई कंफ्यूजन? आज day 1 हमें कुछ भी खास काम नहीं करना है, हमें सिर्फ इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं, बेसिक इफेक्ट्स। बेसिक इफेक्ट्स मींस कुछ भी काम करने लगे यही लेयर के पैलेट में सबसे नीचे हमारे पास क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन है। ये चेकर पैटर्न दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं? ये चेकर पैटर्न कंफर्म करते हैं, डिनोट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लेयर बिल्कुल ब्लैंक लेयर क्रिएट हुई है, इनमें कुछ भी नहीं। अब आप जो भी करेंगे वो इनमें आएगा।
ये हमारी पिक्चर है। यहाँ पे आपके पास इलस्ट्रेटर की तरह दो बॉक्सेस हैं जिनमें एक ब्लैक कलर एक वाइट कलर है डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये इलस्ट्रेटर की तरह फिल और स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास बैकग्राउंड कलर सॉरी फोरग्राउंड कलर और सेकंड आपके पास बैकग्राउंड कलर है, यानी कि दोनों कलर्स हैं। आप कलर्स को बहुत स्पीड में कोई भी दो सिलेक्टिव कलर्स को यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करने तक पहुँचने के लिए पहुँचने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अगर हम अपने कीबोर्ड में मेक श्योर लेयर प्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद ऑल्टर बैक स्पेस करेंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल करेगा जो भी कलर होगा। ऑल्ट दबा के बैक स्पेस, ये शॉर्टकट की है आपके फोरग्राउंड की, ऑल्ट बैक स्पेस। अगर फोरग्राउंड में कोई भी कलर सेलेक्ट किया होगा वही कलर आएगा, जैसे यहाँ ब्लैक है। अब इस पर डबल टैप करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो और फिर ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो वही कलर आएगा। सेंस डेवलप हो रहा है हमारा। और ये कलर पूरी पिक्चर पे आ रहा है, लेयर पे आ रहा है। जो लेयर हमने ली है ब्लैंक लेयर, ये इनमें आ रहा है, लुक इनमें आ रहा है। ये पता ऐसे चलेगा जैसे हमें दिखेगा। सब कुछ इसके ऊपर बनता चला जाएगा। अगर आप चाहो बैकग्राउंड कलर लेना तो कंट्रोल बैक स्पेस की हेल्प से बैकग्राउंड कलर फिल करेगा, यानी कि लेयर को फिल करने की कमांड जो है आपके पास ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस। इस वक्त कुछ सिलेक्शन नहीं बनी हुई मखसूस किस्म की, तो ये पूरी लेयर में फिल कर रहा है। अगर हम कंट्रोल जी करें और उसी स्टेट में आ जाएं जहाँ लेयर ब्लैंक थी हमारी, और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन के बेशबहा तरीके हैं फोटोशॉप में। नंबर वन सिलेक्शन का मार्की रेक्टेंगल टूल, इनमें बहुत सारे। नंबर वन रेक्टेंगुलर, अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये एक एंड मार्चिंग आपके पास आ रहा है, मींस इतने हिस्से की प्रिसाइज सिलेक्शन है आपके पास। और अगर अब आप ऑल्ट या कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो इतने हिस्से में ही कलर आएगा। लेट मी शो यू ऑल्ट बैक स्पेस। पहले पूरी लेयर फिल हो रही थी क्योंकि कुछ भी सिलेक्शन नहीं थी, लेकिन अब एक मखसूस हिस्सा फिल हो रहा है क्योंकि आपने उतनी सिलेक्शन ली है। अगर मैं न्यू लेयर क्रिएट नहीं करता हूँ और फिर किसी और जगह पे जाके कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ये दोनों कलर इस एक लेयर में है एंड वी कैन सी। और कल को अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ये बॉक्स एक मूव कर लूँ, मूव टूल है आपके पास, मूव कर सकते हो, तो ये दोनों मूव होंगे क्योंकि दोनों एक ही लेयर में, राइट? कर सकते हो लेकिन अच्छी बात नहीं है। कैसे कर सकते हो ये भी सीख लेते हैं आज ही। आपको इतना हिस्सा सिर्फ मूव कराना है तो आप पहले सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर आप उस लेयर में हो जिस लेयर में वो ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके सराउंड सिलेक्शन ड्रॉ करोगे आप, और फिर आप मूव टूल लोगे और फिर रिस्पेक्टिव आप मूव कर सकते हो। बट दिस वॉन्ट गोना हेल्प यू दैट मच एज यू आर वर्किंग ऑन एरेंड। आपको अगर काम करना है वाकई में करना है, इनको डिलीट करो और एक न्यू लेयर क्रिएट करो और उनमें जैसा शेप चाहिए जैसा कलर चाहिए फिल करो। अब आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सी लेयर को मूव करना है या कुछ भी करना है। जैसे द रेड बॉक्स एक सबसे ज़्यादा एक फ्लॉलेस स्टफ है जो मैं देखता हूँ लोगों को। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल्स में ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन, आप अगर ये चेक इन करके रखोगे आप जिस लेयर पे क्लिक करोगे वो लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। इस वे में एक एडिटर एक डिजाइनर अपना कंट्रोल खोता है क्योंकि वो जब चाहे तब सेलेक्ट हो,
जब ना चाहे तब भी सेलेक्ट हो, दिस इज नॉट अ गुड वे। अगर ऐसा चाहिए आप इनको हटाओ। अब मुझे रेड बॉक्स सेलेक्ट करना और बार बार मैं वहाँ जाऊँ, ये भी एक अच्छा वे नहीं है। आप सिर्फ कंट्रोल होल्ड करके रखो, देखो यहाँ पे ऑटो चेक इन हो गया है। अगर कंट्रोल छोड़ूंगा वो चला जाएगा ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन। तो कंट्रोल दबा के रखो, जिसको सेलेक्ट करना है उन पे क्लिक करो, लेयर खुद स्विच हो गई, एक्टिव हो गई, और कंट्रोल हटा दो। आई मीन कंट्रोल जो ड्रॉप होल्ड किया हुआ था उसे ड्रॉप कर दो, और अब मूव करो आप, वो मूव होगी। समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कुछ खास नहीं करते आज के लिए, सिर्फ इतना एक कंट्रोल डेवलपमेंट सेशन रखता। आप खोलो फोटोशॉप को, मल्टीपल शेप्स बनाओ ओवर द पिक्चर एंड ट्राई टू कंट्रोल दैट। ट्राई टू कंट्रोल योर सॉफ्टवेयर, योर न्यू ब्रांड न्यू सॉफ्टवेयर, कोई भी ले सकते हो। ऑल यू नीड टू डेवलप योर अमेजिंग कंट्रोल ओवर। ऐसे ही हो रहा है, देखो अलग अलग लेयर्स हैं, और वो देखो एक लेयर में सारा कंट्रोल नहीं आया। अब ये बॉक्स कंट्रोल करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूंगा, इन्हें कंट्रोल कर लूंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अलग अलग होने चाहिए। अभी मुस्तफ़ा आ जाते हैं।